अगेन ऑल ऑफ यू आर कॉर्डियली हेल्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा। अगेन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आज के इस सेशन में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं। मच सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि मच सिंस यू लेफ्ट दिस प्लेस, बहुत कुछ घटित हो चुका है जब से तुमने यह स्थान छोड़ा है, जब से तुमने यह स्थान छोड़ा है। तो मच हैज हैपन्ड, बहुत कुछ घटित हो चुका है जब से तुमने इस स्थान को छोड़ा है। तो पहले हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिंस का यूज इंग्लिश में तीन तरह से होता है। ये जो सिंस होता है, इसका इंग्लिश में तीन तरह से यूज होता है। सिंस इंग्लिश में कंजंक्शन होता है, सिंस प्रपोजिशन होता है, और सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर हम सिंस या एवर सिंस क्या प्रयोग करते हुए एक साथ दो सेंटेंसेज को कंबाइन करते हैं। तो एक कंजंक्शन हो गया एक तरह से। सिंस और एवर सिंस का प्रयोग करते हुए हम एक साथ दो सेंटेंसेज को कंबाइन करते हैं। तो एक तरफ तो आएगा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरी तरफ हमारे आएगा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य की समाप्ति का वर्णन किया जाता है। तो यहां क्या आएगा? हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यहां पर सिंस का अर्थ हो जाएगा जब या जब से, जब या जब से। तो सिंस यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है, एज अ कंजंक्शन। ठीक है, ऐसे वाक्यों की जरूरत कहां पड़ती है? अगर मुझे ये कहना हो कि 5 दिन चले गए हैं, यानी 5 दिन गुजर गए हैं जब से मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई, तो मैं इस तरह के वाक्य को किस तरह से कहूंगा कि 5 डेज है पास्ड, 5 डेज है पास्ड, 5 दिन चले गए हैं, यानी 5 दिन गुजर गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंस, जब से आई टॉट यू इंग्लिश, जब से मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई। तो यानी कितना समय गुजर चुका है जब से मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई? 5 दिन। तो यहां पर जो सिंस है वो किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। और हम यहां सिंस के प्रयोग द्वारा एक साथ दो सेंटेंसेज को जोड़ रहे हैं। तो यहां तो क्या आ रहा है? प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां पर हम टॉट किसका यूज कर रहे हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ये क्या हो गया? पास्ट सिंपल टेंस। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, आरपीएससी लेक्चरर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये एक ऐसा नियम है, चाहे आप आरपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, किसी भी स्टेट लेवल कोई भी तैयारी कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नियम में आता है। सिंस दिया हुआ है, ठीक है। अब लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट थर्ड फॉर्म। वो कह रहा है कि अब यहां मच दे रखा है। अब आप अच्छे से जानते हो मच का प्रयोग क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। अगर मच के बाद नाउन भी आती तो कैसी नाउन आती? अनकाउंटेबल। तो निश्चित है मच का यूज सिंगुलर में होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो मैं क्या लिखूंगा? मच हैज हैपन्ड, बहुत कुछ घटित हो चुका है।
जब से तुमने इस स्थान को छोड़ा, यानी जब से तुम इस स्थान को छोड़ के गए हो तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है। तो यहां पर मेन वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म। तो इधर को क्या आएगा? हैज एवर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेते हैं। देयर, देयर एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस सी मूव टू लंडन, यानी जब से वह लंदन चली गई तब से मेरी अध्यापिका के द्वारा मुझे कोई मैसेज नहीं मिला है। तो हम यहां देखेंगे कि सी सब्जेक्ट हो गया। अब इस सी के बाद यहां पर मूव्ड क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की सिंस सी मूव टू लंडन, जब से वह लंदन चली गई। तो निश्चित है सिंस से पहले क्या आएगा? हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस नेगेटिव में भी हो सकता है, तो ये हैज नॉट हो गया, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने क्या कहा कि देयर हैजंट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर, मेरी अध्यापिका से मुझे कोई मैसेज नहीं मिला है, ठीक है, जब से वह कहां चली गई है? लंदन चली गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं हम। ये आरपीएससी के अंदर पूछा गया है, फॉरेस्ट विभाग के एग्जाम में, ACF एग्जाम 2021 में। वो कहता है कि नो न्यूज ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट, यानी जब से वह लेफ्ट फॉर उधमपुर, जब से वह उधमपुर के लिए रवाना हो गया। लीव फॉर का मतलब है रवाना होना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई? लेफ्ट फॉर। तो कहता है कि जब से वह उधमपुर के लिए रवाना हो गया हुआ तब से मैंने उसके बारे में नहीं सुना है, यानी उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी है। तो देखो यहाँ एम बीइंग आ रहा है, गलत हो गया, बीइंग आ रहा है, गलत हो गया। क्या आएगा? हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इंग्लिश में हैव एक मेन वर्ब भी है। तो हैव का मतलब क्या होता है? रखना। अब हैव की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या आ गई? हैड। मैं यूं भी कह सकता हूं कि आई हैव हैड मनी, मैंने धन रख दिया है, आई हैव हैड मनी। तो ये नहीं है कि गलत है, ये हैव क्या है? यहां हेल्पिंग वर्ब। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आई के साथ हैव आएगा और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, हैड हैड भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दो हैड आ गए, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कोई खबर प्राप्त नहीं हुई है जब से वह उधमपुर के लिए रवाना हुआ। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं। आरपीएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड टीचर के पेपर में। क्वेश्चन क्या है यहां ध्यान देंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, तुम्हारी अंग्रेजी सुधर गई है। अब चूंकि जिस समय पेपर हुआ था 2011 में पेपर हुआ था, अब 10 क्या हो गया? पास्ट। अब ये एडवर्बियल हो गया, क्या हो गया? एडवर्बियल। आगे बताएंगे एडवर्ब और एडवर्बियल में क्या अंतर है। तो ये एडवर्बियल 2011 में दे रहा हूं, 2010 की बात कर रहा है। तो अगर मैं ये आंसर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि योर इंग्लिश इंप्रूव्ड इन 2010, कि 2010 में तुम्हारी अंग्रेजी सुधर गई। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सी हैज गॉन टू दिल्ली, सी हैज गॉन टू दिल्ली इन 2004, वह 2004 में दिल्ली गई। अब ये जो एडवर्बियल है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट को। तो यहां पर ये हैज गॉन थोड़ी आएगा, क्या लिखेंगे हम? सी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई। अब हम 2011 में अगर इस पेपर को दे रहे हैं, बात 2010 की 2010 की जा रही है, तो मुझे ये आंसर में तब देता अगर ये लिखा हुआ होता कि योर इंग्लिश इंप्रूव्ड इन 2010, कि 2010 में तुम्हारी अंग्रेजी सुधर गई। अब ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत,
ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा। अब मैंने देखा यहां सिंस और यहां सिंस, अब मैं समझ चुका हूं कि सिंस से पहले इधर को क्या दे रखा है, हैज प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंस के बाद क्या आएगी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल कहां दे रखा है, सिंस ही स्टार्टेड, जब से उसने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया, यानी जब से उसने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। वो कह रहा है योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, तुम्हारी अंग्रेजी सुधर गई है। तो सुधर, इंग्लिश कब सुधरी है, जब से उसने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया। अब आपको पता है स्टार्ट के बाद कोई दूसरी वर्ब आती है तो जीरे एंड वर्ब आती है, तो यहां हमने क्या लिख दिया, टीचिंग, वो बाद की बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेते हैं, ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमरीका, जब से वह अमरीका गया है मैं उसके बारे में नहीं सुन रहा। वैसे भी हियर जो वर्ब है ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स है, इनका यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, वेदर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेदर इट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हियर वर्ब का वैसे भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यार लेफ्ट मेन वर्ब की क्या हो गई, सेकंड फॉर्म, तो सिंस से पहले क्या आएगा, हैज हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर हर्ड, आई अंडरलाइन नहीं है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहां से आई तो इधर रखना है हमें, आई हैव नेवर, तो मैंने कभी भी उससे नहीं सुना है, जब से वह कहां चला गया, अमरीका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेते हैं हम, एसएससी सीपीओ 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्री इयर्स हैव इलेप्स्ड, तीन वर्ष चले गए, गुजर गए, समाप्त हो गए, इलेप्स हो गए, सिंस आई हैड गोन टू विजिट माई आंट इन द सिटी, जब से मैं अपनी चाची से शहर में मिलने गया। हमने देखा ये सिंस है, ठीक है, अब सिंस से पहले हैव दे रखा है और मेन वर्ब की क्या दी हुई है, थर्ड फॉर्म, तो सिंस के बाद क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, और लेकिन यहां पर तो क्या दे रखा है, हैड गॉन, तो यहां हैड गॉन के स्थान पे क्या आएगा, वेंट, कि जब से मैं अपनी चाची से शहर में मिलने गया। तो एरर किस पार्ट में हो गई, सी पार्ट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, फोर ईयर्स है पास्ड, चार साल गुजर गए सिंस माई ग्रैंड फादर है डाइड। तो देखिए सिंस से पहले वही हैज है प्लस थर्ड फॉर्म है, तो सिंस के बाद क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, तो है डाइड के स्थान पे हमें केवल डाइड का यूज करना है। ये डीएसएसबी में आया, इसका मतलब है कि एरर किसी ना किसी पार्ट में, ए में है या बी में है या सी में है, यहां पर नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो मैंने कहा फोर इयर्स है पास्ड, चार साल गुजर गए सिंस, जब से माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई। तो यहां पर मेन वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, तो एरर किस पार्ट में हो गई, डी पार्ट में, हेड डाइड के स्थान पर हमें डाइड का यूज करना है। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं, देखिए एनडीए, मैंने कहा ना कि कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता हूं। Years since I saw her last, कि जब से मैंने उसे, तो यहां मेन वर्ब की क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म, years, years बहुवचन है, तो क्या आएगा, है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि वर्षों गुजर गए जब से मैंने उसे अंतिम बार देखा, वर्षों गुजर गए जब से मैंने उसे अंतिम बार देखा। नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेते हैं, नाइन नंबर, I have not written any letter to her. मैंने उसे कोई पत्र नहीं लिखा है, कब से, since my brother had died, जब से मेरे भाई की मौत हुई तब से मैंने उसे कोई पत्र नहीं लिखा है। तो देखिए यहां पर since दिया हुआ है, since से पहले क्या दिया हुआ है, have,
और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है डाइड की जगह क्या आएगा, डाई। मैन वर्ब की क्या आएगी, सेकंड। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, मच सिंस दे वर हेयर लास्ट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम डिस्कस करते हैं, ये सिंस है। अब सिंस के बाद वाज वर आ रहा है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर। भाई ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बी, बी का मतलब यहां इज आ रहे हैं, ठीक है, बी, बी का मतलब यहां पर वाज वर, बी, बी का मतलब यहां क्या हो गया, बीन। तो यहां ध्यान देंगे आप, देखिए सिंस के बाद ये वर आ रहा है, तो ये क्या हो गई, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सिंस से पहले क्या आएगा, हैज है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मच, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए हैव ने आकर के क्या आएगा, हैज। मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ घटित हो चुका है जब से वे अंतिम बार यहां थे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं, ये एक बैंकिंग एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत पहले आया हुआ है, तो ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है। फोर डेज पास्ड, चार दिन गुजर गए, सिंस आई केम। अब देखो जहां सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है, केम, तो सिंस से पहले क्या आएगा, हैज है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि यहां क्या दे रखा है, फोर डेज, अब फोर डेज आ रहा है, तो पास्ट की जगह क्या लिखना था हमें, है पास्ट, कि चार दिन गुजर गए, ठीक है। नेक्स्ट वन लेते हैं। अच्छा मैं एक चीज बताना आपको भूल गया था, यहां ध्यान देंगे हम, देखिए जब इस सिंस का या एवर सिंस का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, कंजंक्शन के रूप में करते हैं, तो इसके द्वारा एक साथ दो सेंटेंसेज को जोड़ा जाता है, जिसमें एक मिलेगा आपको परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज है प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य की समाप्ति का वर्णन किया जाता है। इंग्लिश में यह भी नियम है कि आंसर एक्टिव वॉइस में नहीं मिले तो आंसर पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। कारण क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने पर कभी मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो ये आंसर तो हो गया एक्टिव वॉइस में, और ये आंसर हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में आंसर दे या पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव में और पैसिव में कभी मीनिंग चेंज नहीं होते, क्योंकि पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक प्रकार है, फॉर्म है। ऐसे ही इधर को पास्ट सिंपल टेंस आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आंसर एक्टिव वॉइस में मिल सकता है, और सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस किस में बनता है, वॉज वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, आपका आंसर एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं समझाता हूं आपको। देखिए मैंने कहा कि आई, मैंने, रॉट, एन एसे लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने एक निबंध लिखा, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है। अब मुझे अच्छे से पता है कि लास्ट के साथ यदि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है कि भाई मैंने कब लिखा, पिछले साल। अब अगर मैं लास्ट ईयर लिखूंगा तो मैन वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिख दी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर किस में हुआ, एक्टिव वॉइस में। अब मैं इसका पैसिव वॉइस भी बना सकता हूं कि एन एस ए वॉज रिटन एक निबंध लिखा गया
बाय मी, मेरे द्वारा, लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर बाय मी, एन एसे वॉज रिटन बाय मी लास्ट ईयर। अब मैंने देखा कि ये लैंग्वेज किसमें हो गई, पैसिव वॉइस में। अब यहां कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, यहां भी मैं कह रहा हूं कि मैंने पिछले साल एक निबंध लिखा, यहां मैंने कहा एक निबंध मेरे द्वारा पिछले साल लिखा गया। अब लास्ट ईयर आ रहा है, आप क्वेश्चन करोगे कि साहब आपने बताया था कि अगर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे आता है तो पास्ट सिंपल टेंस आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आप कहोगे कि यहां तो सेकंड फॉर्म आई नहीं, तो भाई इसकी सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस हो गई, इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये आंसर दो चाहे ये दो, इसमें कोई अंतर नहीं है। काफी बार मैंने कहा कि माई वॉच लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह मेरी घड़ी स्टील्स चोरी कर लेती है, तो मीनिंगलेस हो गया। इज स्टोलन और हैज स्टोलन और वॉज स्टोलन, अब लास्ट वीक आने का मतलब है पास्ट सिंपल टेंस आएगा, और इंग्लिश में आंसर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है एक्टिव वॉइस, और वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है पैसिव वॉइस। तो आंसर पैसिव वॉइस में भी दिया जा सकता है। तो मैंने कहा कि मेरी घड़ी पिछले सप्ताह चुरा ली गई या चोरी हो गई, तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, वॉच स्टॉलर आएगा। तो आंसर एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और आंसर पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिंस, एवर सिंस, जब ये कंजंक्शन का काम करते हैं तो इनके द्वारा एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जोड़ा जाता है, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म हो सकती है, ये नहीं मिले तो पैसिव वॉइस में आंसर हो सकता है हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आंसर में ये नहीं मिले तो मेन वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म हो सकती है, और इसका पैसिव वॉइस किस्म बनता है वॉज वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सिंस से पहले हैज है प्लस देखने को नहीं मिले तो आप ये भी लिख सकते मे हैव, सिंस से पहले आप मे हैव का यूज भी कर सकते हैं, मे हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सिंस से पहले हैज है प्लस थर्ड फॉर्म नहीं मिले तो आप मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, और इधर को क्या आएगी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब देखिए, हो सकता है कि सिंस में इधर का देके आपसे इधर वाला पूछ ले, इधर वाला देके ये वाला पूछ ले, और ये दोनों देके बीच वाला पूछ ले। हो सकता है सिंस की जगह आफ्टर दे दे, सिंस की जगह बहन दे दे, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ही मे हैव ग्रोन टॉलर, देखिए यहां पर मे हैव भी आ सकता है, मैंने पहले बोला था मे हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर को क्या आ रही है सेकंड फॉर्म। मैंने कहा आपसे कि अगर हैज है प्लस थर्ड फॉर्म नहीं मिले तो सिंस से पहले आप मे हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इधर को तो क्या दे रखा है मे हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर को क्या दे रखी है सेकंड फॉर्म। तो निश्चित है यहां वैन नहीं आएगा, बल्कि किसका यूज होगा, सिंस आई लास्ट साहिल, जब से मैंने उसे अंतिम बार देखा। आगे देखें, नेक्स्ट वन देखिए, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन एरर में पूछा गया है, पहले देख लेते हैं। वाटर कंटेमिनेशन, देखो मैंने पहले बताया था रूट वर्ड से आप वोकेबलरी को सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉल्यूट मीन्स होता है प्रदूषित करना, तो पॉल्यूट से हमने कर दिया पॉल्यूशन। कहीं भी कोई वर्ड से मुलाकात हो जाए और उसको लगे कि आपको नहीं आता है, तुरंत इसको डिक्शनरी में लुकअप करें। कंटेमिनेट, प्रदूषित करना, डिफाइल करना, एडल्ट्रेट करना, ठीक है, मेक इम्प्योर करना, कंटेमिनेट से कंटेमिनेशन।
तो कहता है कि जल प्रदूषण की समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है, जल प्रदूषण की समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है सिंस जब से केमिस्ट दवा विक्रेताओं ने है बिगन, ये गलत हो गया है क्योंकि यहाँ सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी और बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगेन सेकंड फॉर्म होती है और बिगन थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर है बिगन की जगह हमें केवल और केवल किसका यूज करना है, बिगेन का। वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस, यानी जल प्रदूषण की समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है जब से दवा विक्रेताओं ने शुरू किया, बस एरर हो गई है बी पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं, द एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज। द एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलोंग चाइना बॉर्डर, चीन सीमा के किनारे टेंशन, सिंस टेंशन एस्कालेटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा, यानी जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों को, अब नियम तो ये कहता है कि सिंस के बाद यहाँ क्या दी हुई है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आंसर क्या होना चाहिए था, हैज एवर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ किस में पूछ लिया गया है, पैसिव वॉइस में, कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया हैव बीन डिप्लॉयड, द एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड अलोंग चाइना बॉर्डर, चीन सीमा के किनारे अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बलों, सॉरी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है जब से तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ा। ठीक है, तो यहां पर हैव बीन डिप्लॉयड आएगा। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, 3 days है पास्ड, 3 दिन गुजर गए हैं, 3 days है पास्ड सिंस, जब से, अब हमने देखा कि यहां सिंस से पहले क्या दिया हुआ हैज एवर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि 3 दिन गुजर गए हैं, अब इधर को क्या आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म, लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस में पूछ लिया कि जब से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, यानी जब से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया 3 दिन गुजर गए। ठीक है, मैंने इस नियम पर आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, क्विज होगी, उसमें हम और इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, अलग नियम पर आधारित। यहाँ पर सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया गया, 3 दिन हो गए जब से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और नेक्स्ट वन ले लेते हैं, ये SSC 2018 में पूछा गया है कि मैनी थिंग्स हैव हैपन्ड, तो देखो उधर ने इधर का दे दिया हैज हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि बहुत सारी चीजें घटित हो गई हैं जब से मैं तुमसे अंतिम बार मिला, तो मैन वर्ब की क्या हो गई, सेकंड फॉर्म, तो निश्चित है यहाँ पर किसका यूज होगा, सिंस का। सिंस या किसका काम करेगा, कंजंक्शन का, न फ्रॉम आएगा न वैन आएगा न बिफोर, बल्कि किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो आज के इस क्विज में सिंस पर आधारित जो मैंने आपको नियम पढ़ाया था, 16 questions सॉल्व करवा दिए हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल परसिस्टेंटली।